Welcome to the channel Easy Tricks for the Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science. This is the next part of the Python programming related with the object-oriented programming features and the dynamic language having so many features related with the many languages permitted into the Python. So in the previous part, we will discuss about the class, objects, functions, methods and attributes. And in this tutorial, we will discuss about the inheritance and the usage of inheritance with the Python. So those students who don't see the previous part, the link available into the description box, kindly check it out and after that you may shift into the inheritance part. So firstly, we discuss about that what is inheritance. The inheritance is that when you will define a class that inherit all the properties of another class is called inheritance. Means ki jab aap ek class ke member functions ho aur dusri class jo another class member function hai wo aapke member functions ka sara access utha sakti hai. Jaise ek main class hai aur uski ek derived class hai. For example, ki DBMS mein jaise हायरार्किकल मॉडल भी होता है ना कि एक डिराइव्ड पार्ट है उसका और एक उसका मेन पार्ट है तो वो फीचर्स उठाते रहते हैं. सेम इन दिस इनहेरिटेंस देयर इज द सिंटैक्स इज आपको पहले क्लास तो हमेशा ही लिखनी पड़ेगी उसका नेम एज पर द फंक्शन जैसे हम स्पेसिफाई करते थे और प्रॉपर्टीज और जो मेन क्लास होगी वो चाइल्ड क्लास के साथ कलेबोरेट करेगी. सो मेन क्लास को हम कह देते हैं पेरेंट क्लास और जो अनदर क्लास है उसको बोल देते हैं चाइल्ड क्लास. और अगर टेक्निकल वर्ड यूज करनी है तो ये आपकी मेन क्लास और ये उससे डिराइव्ड क्लास अगर पेरेंट और चाइल्ड नहीं यूज करना चाहते. बट इन द सिंपल फॉर्मेट अगर इसको याद रखना है तो पेरेंट क्लास सेम एज दैट दिमाग में लगा के देखिए कि पेरेंट्स के जो फीचर्स या प्रॉपर्टीज होती हैं और जो उसका चाइल्ड होता है वो जेनेटिकली भी उसके पास होती हैं और अगर कुछ कोई ऐसा रिलेटेड विद द थिंग्स हो लैंड से रिलेटेड हो कुछ ऐसा हो तो एज पर द लॉ भी उसको वो इनहेरिटली मिल जाती है अपने फादर से. ठीक है तो फिर ये फीचर हो गया ना कि जो आपके पेरेंट क्लास के पास मेंबर फंक्शन होंगे वो जब भी उससे कोई क्लास डिराइव्ड होगी उससे रिलेटेड तो उसके पास ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे. जैसे यहाँ पे हमने बात की है कि क्लास है और एक फादर नाम की क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज हैं फिर सन नाम की क्लास है बट सन किसके मेंबर फंक्शंस को उठाना चाह रहा है ये इसके मेंबर फंक्शंस को इसके एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर तो फिर इसको ऑटोमेटिकली अपने आर्गुमेंट में फादर नाम की क्लास को जो है रिले करवाना पड़ेगा और प्रॉपर्टीज को फेच करना पड़ेगा. अब हम इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि कैसे फेच करवाना होता है. देखिए ये क्लास है हमारी फादर नाम की. अभी हमने बात की ना फादर नाम की क्लास ही बना लेते हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए. डिफाइन इज द मेजर पार्ट. ये आपको पता लग चुका है कि फंक्शन जब भी डिफाइन करना है या क्लास जब भी डिफाइन करनी है तो इसी के साथ करनी है. दिस इज द आगे प्रॉपर्टीज के नेम है. जैसे फादर के पास बैंगलो है बैंगलो कोई भी अवेलेबल है उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर तो सेल्फ ना एक आर्गुमेंट होता है पाइथन के अंदर क्योंकि हमने इसको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में भी यूज किया था बहुत बार. तो एक आर्गुमेंट है जिसको आप पैरामीटर को हमेशा ही यूज कर सकते हो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ डील कर रहे हो. सो इसके अंदर हमने इसको यूज करके आगे कॉलिंग कर दी है कि प्रिंट करवा दे हैविंग टू बंगलोज इन द लग्जरी लोकेशन. सो फादर के पास अभी प्रॉपर्टीज में क्या है बैंगलोज है उसकी प्रॉपर्टी हमने दिखाई है बैंगलोज है और वो प्रिंट करवाएगा टू बैंगलोज. बस यही क्लास जब नेक्स्ट क्लास सन की बनेगी तो उसने फादर की प्रॉपर्टीज को उठाना है. ठीक है ये कॉलम तो हमेशा ही फंक्शन में भी आता रहा है यहाँ पे भी आ रहा है. इसकी डिफाइन क्लास अलग बनेगी क्योंकि सन के पास अपना भी कोई ना कोई फीचर होगा. अब सन के पास कुछ अपार्टमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल हमने उसको अपार्टमेंट दे दिए प्रॉपर्टीज में बट उसने डिक्लेरेशन किससे उठाई है सेल्फ वाले से. सेम एज सेल्फ ही पैरामीटर हमेशा चलता रहता है क्योंकि खुद जो कर रहे हो उसी को इसने लेके चलना है. अगर हम ये कर रहे हैं तो इसको लेके चलेगा कुछ ये कर रहे हैं तो इसको लेके चलेगा. ठीक है तो फिर सेल्फ हमारे पार्ट में हमेशा आने आना है. अब इसके पार्ट पे हमने प्रॉपर्टीज में एनहांस करवाया है कि प्रिंट करवा दो सन हैविंग फोर अपार्टमेंट्स इन द डिफरेंट
लोकेलिटी और इन द डिफरेंट सिटीज़। ठीक है, अब जब ऑटोमेटिकली हमने इसको असेस देना है, अब कॉलिंग करनी है एक्चुअली में क्लास की, इनहेरिट करना कैसे है विद द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप ऑन द स्पॉट पे डिक्लेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब जब हम इसको डिक्लेरेशन में डालेंगे तो सबसे पहले आएगी सान की क्लास जो है वो इसके फीचर कैसे मेंबर फंक्शंस को असेस करेगी। ये देखिए, ये अभी हमने एक सन को दे दिया है, जैसे एस नाम का एक ऑब्जेक्ट, जैसे अलायस देते हैं ना ऑब्जेक्ट, इसको दे दिया है। तो एस इज इक्वल्स टू सन, ही क्लास थी, मेंबर फंक्शन इसके खाली ही जाएंगे क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट कॉलिंग हो रही है तो ऑब्जेक्ट में हम कुछ दे नहीं सकते। इनहेरिटली जब हमने इसकी कॉलिंग करनी है तो एस डॉट बैंगलो, बैंगलो क्लास मेंबर फंक्शन किसके हैं, इसके, और उसके बाद एस डॉट अपार्टमेंट, ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ये प्रॉपर्टी है फादर की, ये प्रॉपर्टी है चाइल्ड की। अब देखिए, क्योंकि सन ने ऑलरेडी फादर का जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉल किया हुआ था, डिराइव्ड क्लास थी ना इससे, जब डिराइव्ड क्लास बनी है तो ऑटोमेटिकली इसके मेंबर फंक्शन इसको असेस करेंगे ही करेंगे, और जब आप इस कोड को रन करोगे तो आपके पास दोनों ही आएंगे, पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शंस की पूरी डिटेल, दैट हैविंग टू बैंगलोर्स इन द लग्जरी लोकेशन एंड द अनदर पार्ट इज द सन हैविंग फोर अपार्टमेंट्स इन डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट सिटीज और डिफरेंट लोकेलिटीज। सो ये देखो, जो डिराइव्ड क्लास होती है वो तो पेरेंट क्लास से सब कुछ ले सकती है, बट अगर पेरेंट इसको कॉल करके ले सकता है, थिंक अबाउट दैट, ये रूल नहीं होता ना। हम अगर इसी कोड की जगह, इसकी जगह ये वाली फैच करवाते कि एफ इज इक्वल्स टू फादर एंड एफ डॉट बैंगलो एंड एफ डॉट अपार्टमेंट। अब आप खुद सोचिए, फादर तो खुद एक पेरेंट क्लास है, वो तो किसी के मेंबर फंक्शन को असेस ही नहीं कर रहा। जब वो असेस ही नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली जब इसको चलाओगे तो आपके पास सिंगल ही आएगी कि हैविंग टू बैंगलोर इन द लग्जरी लोकेशन, बिकॉज हमने पहले ही देख लिया है कि इनहेरेंट का सबसे बड़ा फीचर ही यही है कि आपने पेरेंट क्लास से मेंबर फंक्शंस लेने हैं, उसको देने नहीं हैं। और इस प्रोग्राम में हमने दोनों ही पार्ट्स देख भी लिए हैं कि ले ही रहे हैं, दे नहीं रहे। सो ये हमारा एक पार्ट था जो रिलेटेड विद द इनहेरिटेंस था। सो इस प्रोग्राम को आप डेफिनेटली प्रोग्रामिंग फीचर में चला के देख लीजिएगा, और अगर कोई भी आपको इशू आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट कर दीजिएगा, विद इन द 24 आवर्स डेफिनेटली रिप्लाई विल गिवन टू ऑल ऑफ यू। सो नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली अपलोडेड वेरी वेरी सून रिलेटेड विद द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।